नागरिकता कानून को लेकर देश में छिड़े द्वंद के बीच राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर एक आंकड़ा पेश किया है। उन्होंने राज्यसभा में बताया कि पिछले 3 साल में 3,727 अवैध बांग्लादेशियों को देश से निकाला गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि 2017 से 2019 के बीच बांग्लादेश से कुल 1,10,642 नागरिक अपने वीजा की समय सीमा खत्म होने के बाद भी देश में रुके हुए हैं, जो देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेशियों को सरकार के पास कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, क्योंकि वो चोरी छिपे देश में घुस जाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 2017 से 27 जनवरी 2020 तक 3,727 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को देश से निकाला गया है। अपने एक बयान में उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 10 सालों में करीब 21,000 विदेशियों को भारत की नागरिकता दी गई है और इन हजारों शरणार्थियों में सबसे ज्यादा संख्या बांग्लादेशी नागरिकों की है। एक लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पिछले 10 साल का ब्यौरा दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि साल 2010 से 2019 तक कुल 21,408 शरणार्थियों को नागरिकता दी गई, जिनमें से बांग्लादेश के कुल 15,000 नागरिक शामिल हैं। साल 2015 में भारत बांग्लादेश के बीच हुए समझौते के बाद जब बांग्लादेश के 53 इनक्लेव को भारत में शामिल किया गया था, तब 14,864 बांग्लादेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता मिली थी। संसद में दिए गए सरकार के जवाब के मुताबिक मोदी सरकार के आने के बाद से शरणार्थियों को नागरिकता देने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। साल 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बाद नागरिकता एक्ट 1955 के सेक्शन 7 के मुताबिक इन्हें नागरिकता दी गई थी। हालांकि इन हजारों में किस किस धर्म के लोग शामिल हैं, उसका जिक्र नहीं किया गया है। भारत सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन कर ऐसा कदम उठाया है जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों को एक उम्मीद की किरण देता है। नए कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई और पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी शरणार्थी भारत आए और उन्हें 6 वर्ष से अधिक हो गया तो उन्हें तुरंत इस एक्ट के तहत नागरिकता मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।